स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस युवक का नाम मोनू है, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने पुरानी रंजिश को लेकर चल रहे केस में राजीनामा करने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर दूसरे पक्ष ने पीड़ित पक्ष पर फायरिंग कर दी। गोली लगने की वजह से मोनू घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक वारदात के दिन आरोपी नेत्रपाल मोनू के घर गया था। इस दौरान पहले तो नेत्रपाल ने मोनू के पिता से माफी मांगी और राजीनामा करने की अपील की, लेकिन जब मोनू के पिता ने राजीनामा करने से इनकार कर दिया तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसी दौरान नेत्रपाल के बेटे साहिल और उसके भाई ने मोनू पर फायरिंग कर दी। मेरे लड़के को, मेरी बहन को, बेटियों को, सबके बारे में बहुत गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे फोन से, आईडी बना बना के डुप्लीकेट। वो हमने साइबर में कंप्लेंट दे रखी थी और अभी 2-3 दिन पहले साइबर से फोन आया, जो मेरे लड़के को बुलाया गया और वहाँ लड़के को ये भी टकरा गए जिन्होंने गोली चलाई है, जिनके ऊपर आरोप है। हाँ जी, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता पड़ा था कि ये है, लेकिन हमें शक हो गया था। दूसरे दिन इन लड़कों का बाप मेरे घर पे ऑटोमेटिक अपने आप सुबह आ गया कि भाई मेरे लड़कों से गलती हो गई है, तू चल हमारे पास वहाँ पे साइबर में और राजीनामा लेके आ। हमने 2 दिन टरका दिया इसमें, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे देखेंगे। लेकिन आज सुबह में फिर आया, मैं बोला भाई 4 आदमी गाँव के 10 आदमी इकट्ठे कर ले और उसी समाज के हिसाब से फैसला होगा, ऐसे तो नहीं करूँगा। बस इसने फोन करके मेरे पास बैठ कर गए और तुरंत ही अपने लड़कों को बुलाया घर से और आते सीधी गोली। दरअसल पूरा मामला साइबर क्राइम का है। आरोपियों ने कुछ महीने पहले अलग अलग नंबरों से कुछ अश्लील कमेंट घर की महिलाओं को भेजे थे, जिसकी शिकायत साइबर सेल में की गई थी। जांच के बाद जब पुलिस ने पीड़ितों को खबर दी, मामले में कार्रवाई होने से अपराधी पक्ष डर कर राजीनामा करने के लिए पीड़ित पक्ष के घर पहुँच गया, जिसके बाद ये पूरी वारदात हुई। साल पुराना गाँव वालों से झगड़ा चल रहा था जी, उसके बाद मेरे भाई के साथ हादसा कर दिया था। हमारे पास सबूत ना होने के कारण हम कुछ नहीं कर पाए जी। उसके बाद उन्होंने मेरे फेसबुक पे गाली गलौज माँ बहन की और हर तरीके की दे रखी थी। मैंने वो सारी कंप्लेंट साइबर में 4 बजे कंप्लेंट कर रखी। साइबर क्राइम ने 29 तारीख को परसों पता लगा लिया उनका, उन्हें बुलाया तो वो घर पे आने लगे। मैंने फैसले के लिए मैंने बोला भाई माँ बहन को गाली दिए तो हमारी सिस्टर आएगी पंचायत में फैसला करेंगे। तो आज वो पुलिस वालों ने उन्हें बुलाया और बुलाने के चक्कर में वो पास में आए थे, वहाँ पे वो आके उसका लड़का ज़्यादा ऐंठ में बोलने लगा। मैंने कहा अभी तक तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से हमारे ऊपर ही दोष कर रहे हो, इंजा फैसला नहीं होगा। अच्छा, उसने एकदम कुछ भी नहीं करा जी, एकदम बैठ गए सिने गोली चले। फायरिंग करने की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी अस्पताल में पहुंची और मोनू के बयान के आधार पर आरोपियों के केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। पीड़ित जिसको चोट लगी है, आज गोली लगी है मोनू, इसकी फेसबुक पे जो दूसरा पक्ष है उसने कुछ गाली गलौज कर रखी थी, जिसकी शिकायत दी गई थी और इस पर कार्रवाई करते हुए इसमें पुलिस इन तक पहुंची थी, तो इनको बुलाया गया था। तो उस बुलाने के बाद फिर ये जो दूसरा पक्ष है आज इनसे बातचीत करने गया था, अब भाई इसको देख लेते हैं अभी कोई बात नहीं जो भी हुआ, लेकिन इसी दौरान इनकी आपसे बहस हुई तो तुम्हें हुआ, जिसमें इन्होंने जो साहिल और निखिल है इन्होंने मेरे से गोली चला दी, जिससे पीड़ित मोनू को पैर में गोली छूकर निकल गई। बहरहाल गोली मोनू के पैर को छूकर निकल गई है, मगर आरोपियों ने कानून अपने हाथ में लेकर ये साबित कर दिया है कि उन्हें किसी का डर नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कोई अमल में लाती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।